अब जगमगाने लगी है और हर एक लफ्ज से खुशबू आने लगी है, गजल खुद गजल अब सुनाने लगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नांदेड़ शहर में मैं इससे पहले भी आई हूँ। जितनी कलम हिंदी की चलाती हूँ उस अल्लाह ताला का ऊपर वाले का करम, जिसने कुछ उर्दू में भी लिखने की सलाहियत मुझे दी। आशा करती हूँ कि मेरे शेर और सारी कलाम आप सब पसंद करेंगे, दुआओं से नवाजेंगे। अपना शहरी सफ़र शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने देखा सबसे पहले बजरंग जी ने और आखिरी में क्या नाम है, अब भटकती आत्मा की बात कह रहे हैं। दोस्तों कसूर इनका नहीं है, चार मिसरे से बात करना चाहूँगी। चार मिसरे पहले तो इन्हें देती हूँ, मगर शुरू करने से पहले यहाँ जो एजाज़ हुआ नदाफ, एजाज़ नदाफ का और इंजीनियर पठान साहब का, उनके लिए चार मिसरे कि अपना किया ही उम्र भर पाता है आदमी, अपना किया ही उम्र भर पाता है आदमी, फिर भी खुदा का नाम उठाता है आदमी। अपना किया ही उम्र भर पाता है आदमी, फिर भी खुदा का नाम उठाता है आदमी। और सबको खुदा से नाम मिला है जहान में, सबको खुदा से नाम मिला है जहान में, मगर पहचान अपनी खुद ही बनाता है आदमी। कर रहे थे बजरंग जी की, तो बजरंग जी के लिए और भटकती आत्मा के लिए चार लाइन। नांदेड़ शहर से तो उधार रख कर नहीं जाऊंगी कि तीर से न तलवार से और लोग मरते हैं बस प्यार से। और ये भरी महफिल में मारे गए हैं मेरे काजल की नयन की धार से। और कह रहे थे कि मैडम आप तो दाद भी नहीं दे रही है, तो नाकामी है मोहब्बत के मारों से पूछे, नाकामी है मोहब्बत के मारों से पूछे, क्या गुजर रही है दिल पर इनके, इन बिचारों से पूछिए। और हर दिल का हाल एक सा होता है हुस्न को देखकर, हर दिल का हाल एक सा होता है हुस्न को देखकर, इन नौजवानों से पूछिए वरना इस भटकती आत्मा से पूछिए। शुरुआत तो उन्होंने की थी, मैं तो खाली जवाब दे रही हूँ, अब वो भी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतनी बार मुझसे कहा तो मुझे देना पड़ा, क्योंकि पढ़ इधर रहते देख उधर रहे थे वो। आइए मित्रों, मैं बात करना चाहूंगी कि गंगो चमन की यारो खुशबू भी है हमारी, इस अंजुमन की देखो अब आबरू
मैं एक शेर आप लोगों की तरफ से पढ़ना चाहती हूँ कि सजदा है तुझको तेरी पहचान दे रहा है, सजदा है तुझको तेरी पहचान दे रहा है, ईमान की तो बातें कुरान कर रहा है, क्यों तेरे नाम आई गद्दारियां वतन की, क्यों तेरे नाम आई गद्दारियां वतन की, सच्चा है जो मुसलमान वो जान दे रहा है, सच्चा है जो मुसलमान वो जान दे रहा है। और बात फिर हो रही थी, चलिए मैं थोड़ा सा, कि हम तुमको मोहब्बत का अफसाना बना देंगे। अब वही तुम्हारे टेस्ट की बात है ना, कि हम तुमको मोहब्बत का अफसाना बना देंगे, दीवाना बनाते दीवाना बना देंगे, आंखों से हमारी तुम पी कर तो जरा देखो, एक घूंट के पीते मस्ताना बना देंगे। चले बोल नहीं, वो सुन दूसरा सुनती हूँ। इनको थोड़ा जो सताया तो बुरा मान गए, अब ये अपने अपने की बात है। उनको थोड़ा जो सताया तो बुरा मान गए, अगर से हाथ मिलाया तो बुरा मान गए, अगर से हाथ मिलाया तो बुरा मान गए, उंगलियां शेर सुनिएगा कि उंगलियां मुझ पे उठाते थे बोले एक दिन, उंगलियां मुझ पे उठाते थे बोले एक दिन, आईना उनको दिखाया तो होती है, जो इशारों में कहना चाहती हूँ आप समझिए, कि जब वो तितली को पकड़ते थे मैं खुश होती थी, जब वो तितली को पकड़ते थे मैं खुश होती थी, और पास भौरा मेरे आया तो बुरा मान गए, पास भौरा जी आप अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं शेर के साथ। फिरोज भाई बात करनी चाहिए मगर किसी की आड़ लेकर नहीं करनी चाहिए। शेर पढ़ने से पहले बताती हूँ, ये ट्रेन की बात कर रहे थे, एक बार फिरोज भाई कर्नाटक जा रहे थे, जाते समय ट्रेन में बैठी सामने एक महिला बैठी थी जिसकी एक आंख पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान देख रही थी, और फिरोज भाई समझ रहे थे कि उनको लाइन दे रही है, तो फिरोज जी समझ रहे कि लाइन दे रहे हैं, शायर ठहरे, एक पेपर निकाला, पेपर पे चार लाइनें लिख डाली, और वो लाइनें थी कि रुको मैं पढ़ के बताती हूँ, कि नजरें चुराने से क्या फायदा, नजरें चुराने से क्या
शर्माने से क्या फ़ायदा, अब तो हम सफ़र है हम दोनों, यूँ दूर रहने से क्या फ़ायदा। और नहीं 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 अभी रुको और आगे की बात, मेरी बात नहीं खत्म हुई अभी, नहीं अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई, सुनिए। तो दोस्तों जान देखिए, बात ऐसी हुई कि जब पर्ची उस महिला के पास गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक बिंदु पर आया, उसने भी कलम उठाई और कलम उठा के क्या जवाब लिखा है, जवाब अच्छा लगे तो बिल्कुल दुआओं से तालियों से नवाजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जूते खाने से क्या फायदा, जूते खाने से क्या फायदा, इस उम्र में इश्क लड़ाने से क्या फायदा। अरे अब तो मैं चार बच्चों की माँ हूं, मुझको पटाने से क्या जी। मैं हर वक्त ईमान के साथ रहती हूँ, मैं हर वक्त ईमान के साथ रहती हूँ, खुद अपनी हिफाजत के साथ रहती हूँ, और मुझे कबूल नहीं है तोहमत ज़माने की, मुझे कबूल नहीं है तोहमत ज़माने की, मैं हर जगह शराफत के साथ रहती हूँ। कि जब वो तितली को पकड़ती थे मैं खुश होती थी, कि जब वो तितली को पकड़ती थे मैं खुश, सरसों हथेली पर जमाएंगे। जलाल मैं कर्सान के लिए, इन्हें जिद है कि ये सरसों हथेली पर जमाएंगे और करिश्मा करके दुनिया को कोई नया दिखाएंगे, और मजदारों की बात करते हैं ये जनाब, मजदारों की बात करते हैं ये जनाब, देखना किनारे आते आते डूब जाएंगे। मैं पढ़ रही थी, तो जन्म से हो अगर के अंधे